सम्राट पृथ्वीराज चौहान भारत के इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। फिर चाहे वो मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी को 17 बार हराकर देश से भगाने की बात हो, अंतिम हिंदू सम्राट होने की, या फिर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए हर सीमा को लांघने की। पृथ्वीराज चौहान का इतिहास वीरता और शौर्य से भरा है और चंद्रहृदय की कविताओं के रूप में आज भी जीवित है। कुछ ऐतिहासिक कहानियों की माने तो वो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे। वो आंखें बंद करके भी अपने बाणों से किसी भी लक्ष्य को भेद सकते थे। पृथ्वीराज चौहान ने इतिहास में अपना स्थान एक सफल शासक के रूप में हमेशा बनाए रखा। तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज की हार के बाद भारत का इतिहास बदल गया। पृथ्वीराज चौहान का जन्म क्षत्रिय वंश में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर 1166 ईस्वी में हुआ। पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वीराज की माता कपूर देवी ने उनके जन्म के लिए ईश्वर से बहुत सी दुआएं मांगी थी। उनका जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष बाद हुआ। वो अपने माता पिता के बहुत प्रिय थे। उनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ। उनके जन्म के बाद से ही राज्य में उनको मारने के लिए षड्यंत्र होने लगे। जब उनकी आयु 11 वर्ष हुई तब उनके पिता राजा सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया। इसके बाद राज्य और परिवार का दायित्व उनके ऊपर आ गया। पृथ्वीराज कुशार्ग बुद्धि वाले थे। उन्हें संस्कृत, मगधी और अपभ्रंश आदि 6 भाषाओं का ज्ञान था। बाल्यावस्था में ही वो युद्ध कला में निपुण हो गए थे और उन्होंने शब्द भेदी बाण चलाना भी सीख लिया था। वो हाथी और घोड़ों को नियंत्रण करने की विद्याएं भी जानते थे। उनके मित्र चंद्रहृदय ने अपनी काव्य रचना पृथ्वीराज रासों में उनकी इस विद्याओं के बारे में उल्लेख किया है। वो अपने राज्य को अच्छे से संभाल रहे थे, लेकिन उनके चचेरे भाई नागार्जुन ने विद्रोह कर दिया क्योंकि वो भी राजगद्दी को हत्याना चाहता था। पृथ्वीराज ने इस विद्रोह को कुचल डाला। इसके बाद पृथ्वीराज ने बदानक राज्य को भी भरतपुर, धौलपुर, करौली और मथुरा व अलवर के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था उसे खत्म कर दिया। बदानक हमेशा ही दिल्ली में उनके चौहान राज्य के लिए खतरा थे। इसके बाद 1182 में पृथ्वीराज ने जजाक भुक्ति के राजा परमदीन देव चंदेला को हरा दिया। पृथ्वीराज का कद चंदलास को हराने के बाद बहुत बढ़ गया, लेकिन उनके बहुत से दुश्मन भी पैदा हो गए। उत्तर भारत में पृथ्वीराज अब एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहे थे। उन्हें रोकने के लिए उत्तर भारत की दूसरी शक्तियां जैसे गढ़वाल और चंदलास ने आपस में हाथ मिला लिया। पृथ्वीराज को भी इनसे मुकाबला करने के लिए अपने सैन्य ताकत को बढ़ाना पड़ा। इसके बाद पृथ्वीराज ने चालुक्य वंश के शासक को भी पराजित किया और अब उत्तर में उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। दिल्ली पर उस समय पृथ्वीराज के नाना अनंगपाल का राज था। अनंगपाल का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उन्होंने पृथ्वीराज से अनुरोध किया कि वो दिल्ली का शासक संभाल ले। तब पृथ्वीराज ने दिल्ली और अजमेर दोनों पर शासन करना शुरू कर दिया। पृथ्वीराज का प्रभाव उत्तर भारत में बढ़ता जा रहा था, जिस कारण बहुत से स्थानीय राजा उनसे ईर्ष्या करने लगे। कन्नौज के जयचंद भी उन्हीं राजाओं में से एक थे जो पृथ्वीराज की इस बढ़ती हुई ताकत को रोकना चाहते थे। पृथ्वीराज और जयचंद में टकराव की एक और वजह यह भी थी कि जयचंद की बेटी संयोगिता और पृथ्वीराज का प्रेम संबंध था। पृथ्वीराज की वीरता के चर्चे उस समय हर किसी की जुबान पर थे। जब संयोगिता ने पृथ्वीराज के बारे में सुना तो उनसे प्रेम करने लगी। संयोगिता पृथ्वीराज के एक चित्र को देखकर उन पर मोहित हो गई और उसने अपना ही एक चित्र पृथ्वीराज के साथ भिजवाया। दोनों के पत्राचार होने लगा और दोनों की प्रेम कहानी आगे बढ़ने लगी। जबकि जयचंद पृथ्वीराज के प्रभाव और उसकी महत्वाकांक्षाओं को खत्म करना चाहता था, जयचंद ने संयोगिता का स्वयंवर रचाया और सभी राजाओं को आमंत्रित किया, लेकिन पृथ्वीराज को नहीं। बल्कि पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए उसने द्वार पर द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति रख दी। इस बारे में सुनकर पृथ्वीराज बहुत क्रोधित हुए। संयोगिता भी किसी और से विवाह नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने पृथ्वीराज को स्वयंवर में बुलाया। स्वयंवर में संयोगिता ने पृथ्वीराज की उस मूर्ति के गले में ही वरमाला डाल दी और उसी समय पृथ्वीराज वहां आ गए और संयोगिता को लेकर वहां से चले गए। जयचंद की सेना ने उनका पीछा किया, लेकिन कोई भी उन्हें पकड़ नहीं पाया। इस तरह संयोगिता और पृथ्वीराज की प्रेम कहानी पूरी हुई, जिसे पृथ्वीराज चौहान इतिहास में विशेष स्थान मिलता है।
पृथ्वीराज के सबसे करीबी मित्र और कवि चंद्रबरदई थे। चंद्रबरदई को ब्रजभाषा हिंदी का प्रथम महाकवि भी कहा जाता है। उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो हिंदी का बहुत बड़ा काव्य ग्रंथ है, जिसमें 10,000 से अधिक छंद है। इसमें उन्होंने पृथ्वीराज चौहान का इतिहास और उनके जीवन की कहानियों का उल्लेख किया है। वो पृथ्वीराज के बहुत घनिष्ठ मित्र थे और उनके जीवन का ज़्यादातर समय पृथ्वीराज के साथ ही बीता। फिर चाहे वो दरबार हो या युद्ध क्षेत्र, उनके अंतिम समय में उन्हें ही दुर्भाग्यवश पृथ्वीराज की हत्या करनी पड़ी। मोहम्मद गौरी को मारने में भी उन्होंने ही पृथ्वीराज की मदद की थी। मोहम्मद गौरी भारत में अपने प्रभाव को लगातार बढ़ाना चाहता था। उसने सिंध, मुल्तान और पंजाब को अपने कब्जे में ले लिया था। 1190 के अंत तक गौरी ने बठिंडा पर भी अपना अधिकार कर लिया था। बठिंडा पृथ्वीराज चौहान के क्षेत्र में आता था, जिससे गौरी और पृथ्वीराज में संघर्ष की स्थिति पैदा हो गई। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि दोनों 1191 में दिल्ली से 110 किलोमीटर की दूरी पर आज के हरियाणा के तरावड़ी नामक स्थान पर एक दूसरे के आमने सामने थे। इस लड़ाई में गौरी बुरी तरह से घायल हो गया और उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन इस लड़ाई में हारने के बाद अब वो पहले से ज़्यादा सजग हो गया था और अब वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज को हराना चाहता था। पहले युद्ध में हारने के बाद भी गौरी ने हार नहीं मानी और उसने एक बड़ी आर्मी इकट्ठा की। इस सेना में उनके साथ फारसी, तुर्क और अफगान भी शामिल हुए। इस तरह उसकी सेना पृथ्वीराज की सेना से भी बड़ी हो गई। उसने भारत में पृथ्वीराज के विरोधी जयचंद को भी अपने साथ मिला लिया। पृथ्वीराज ने अन्य राजपूत राजाओं से भी मदद मांगी, लेकिन सहयोगिता के स्वयंवर में हुए अपमान की वजह से किसी राजा ने उनका साथ नहीं दिया। इस तरह पृथ्वीराज की सेना गौरी की बहुत बड़ी सेना के सामने छोटी पड़ गई। गौरी ने पृथ्वीराज को चारों ओर से घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज को कैद करने के बाद बहुत सी यातनाएं दी गई। गर्म सलाखों से पृथ्वीराज की आंखें निकाल ली गई। पृथ्वीराज की मृत्यु कैसे हुई, इस बारे में एक कथा प्रचलित है। इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में ज़्यादा प्रमाण नहीं है। कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी को पता चला कि पृथ्वीराज बिना देखे ही सही जगह निशाना लगा सकते हैं। गौरी यह बात सुनकर रोमांचित हो गया और वो देखना चाहता था कि क्या सच में पृथ्वीराज ऐसा कर सकते हैं। दरबार में पृथ्वीराज की जो कि अंधे हो चुके, उन्हें तीर कमान दे दिया गया। तब उनके पास मौजूद उनके मित्र चंद्रबरदई ने एक पंक्ति कही जो इस प्रकार थी, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चूके चौहान। इस पंक्तियों को सुनकर पृथ्वीराज को गौरी की सही स्थिति का पता चल गया और उसने एक नई ऊर्जा आ गई। पृथ्वीराज ने सटीक निशाना लगाते हुए गौरी पर बाण छोड़ दिया और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदई ने एक दूसरे की हत्या कर दी। वहीं कुछ जगह पर कहा गया है कि गौरी ने अपनी जगह अपनी मूर्ति रख दी थी। पृथ्वीराज चौहान का छोड़ा गया बाण उस मूर्ति को लगा और गौरी बच गया। बाद में उसने पृथ्वीराज और उसके मित्र की हत्या कर दी। जबकि हसम निजामी के अनुसार युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज ने अपनी हार स्वीकार कर ली थी और गौरी के अधीन रहते हुए अजमेर पर शासन किया। बाद में पृथ्वीराज के विद्रोह करने के बाद उसकी हत्या कर दी गई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इस तरह पृथ्वीराज का अंत हो गया, जिसमें बड़ा हाथ जयचंद का रहा। आज भी गद्दारों को जयचंद कहा जाता है। इस लड़ाई के बाद भारत में मुस्लिम राज की शुरुआत हुई, जो सैकड़ों साल तक चला। गौरी ने अपने दास ऐबक को भारत के क्षेत्रों का नियंत्रण दे दिया। यही वह कुतुबुद्दीन ऐबक है जिसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऐबक ने ही भारत में गुलाम वंश की नींव रखी थी। इसी के बाद से भारत में पहले दिल्ली सल्तनत और बाद में मुगल वंश की स्थापना हुई और भारत पर आगे कई 100 सालों तक मुस्लिम शासकों का राज रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया। पृथ्वीराज चौहान को भारत के अंतिम हिंदू सम्राट के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। कहा जाता है कि तराइन के युद्ध से पहले मोहम्मद गौरी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। आशा है कि आज का ऐतिहासिक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे और ऐतिहासिक वीडियो के लिए बने रहे आप हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।